आज की इस कुशीनगर के सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित कुशीनगर के सभी सम्मानित सज्जनों, भाइयों और बहनों, सभी मित्रों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो श्री प्रदीप राय और विनय राय जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो इस धरती के पुत्र हैं और इतनी ऊंचाइयों पर भी जाने के बाद कुशीनगर को नहीं भूले और कुशीनगर में कुशीनगर महोत्सव पिछले कई वर्षों से यहां बड़े धूमधाम से संचालित कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो हम एपीएन के टेलीविजन के पर्दे से जिस कार्यक्रम को देखते, देश के महान कलाकारों को यहां पर जो उन्होंने उतारने का फैसला किया है, मैं उन सभी कलाकारों का भी यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद है कि आज से 17-18 साल पहले कुशीनगर में मैंने कुशीनगर महोत्सव शुरू कराया था। प्रदेश सरकार के संयोजन में वो चलता था, आज चल रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे बेहतर कार्यक्रम का प्रदर्शन और उसके लिए बेहतर सजावट, रोशनी के चकाचौंध में मैं सामने बैठे हुए लोगों को देख नहीं पा रहा हूं। ऐसा जगमग करता हुआ कुशीनगर का कुशीनगर महोत्सव एपीएन न्यूज, प्रदीप राय, श्री विनय राय ने संचालित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और एक योग्य माता पिता को भी, जिन्होंने ऐसे अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने अपनी माटी को न भूलने का काम किया है। हम सब लोग यदि इसी तरीके से अपनी इस मिट्टी को याद करें, अपने मातृभूमि को याद करें, तो हमारे देश का महानता में कोई संदेह नहीं है। कला के माध्यम से अभी जो रामायण के प्रसंग का हमारे क्या नाम है कलाकार मित्र का, चंदन के बाद ये जो लड़का भी गा रहा था, अच्छा इन्हीं का नाम चंदन है, अच्छा दोनों चंदन है, नंदन और चंदन और उसके बाद भी चंदन। अब ये सच बात है कि बहुत अच्छा प्रसंग है अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, लेकिन आज के चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी को, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। जो उत्साह के साथ उसका उत्साह संवर्धन होना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। हमें सभी कलाकारों का, कला तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि सरकारी जो कुशीनगर महोत्सव होता था उसमें सिर्फ सांस्कृतिक संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, इन लोगों ने खेल और कला दोनों का सामंजस्य बैठाया है, जो एक बहुत अच्छे तरीके से नौजवानों में भी अच्छा संदेश दिया जा सके और अपने लोगों को भी कला के प्रति आकर्षित किया जा सके। यह एक बहुत श्रेष्ठ और अच्छा मंच है। मैं इसकी सफलता के लिए और ये परंपरा निरंतर चलती रहे उसकी शुभकामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे सूचना दिया, आने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।